तो आज हम सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि वीर लोरिक जी खुद उन्हें अपनी देवी माँ की पूजा करते थे, और यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे उनका अखाड़ा भी है। और ये जो वृक्ष है, ये जो पीपल का, ये कई सौ साल पुराना है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में यही नहीं पता कितने साल पुराना है। और लोग कहते हैं कि मंदिर जो है वो नीचे था, उसके ऊपर ये पेड़ बना, और मंदिर नीचे होने के बाद तब फिर यहाँ पे मंदिर माता जी का बनाया गया और उनका बनाया गया। तो ये ऐसी जगह है कि जो अगर वीर लोरिक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कोई या समझना चाहता है, तो उनका मंदिर भी यहाँ पे, ये लोग अभी एक नए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं वीर लोरिक जी के लिए। तो वीर लोरिक की वो स्थान है कि जहाँ से उनके बारे में हर चीज़ का आपको ज्ञान होता है और पता चलता है कि कम से कम वो हैं क्या, उनका लेवल क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस सोच के थे और कितने बलशाली थे, और अपने सबके लोगों के प्रति कितना ज़्यादा वो समर्पण और उनका त्याग कितना ज़्यादा रहता था। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा सबसे मिला। मैं रिटायर सूबेदार विश्वनाथ यादव, मैं लोरिक डीह जो है ये 7वीं शताब्दी की यहाँ पर लोरिक और सौरू की कहानी है। उनका जन्म तो गौरा में हुआ था, लेकिन वहाँ जगह कम थी, ये खुला मैदान और जंगली इलाका था। यहीं आकर के वो अपनो असियाना बना लिए, गायों को रख लिए, और यहीं पर पूजा अर्चना और कुश्ती लड़ने का भी काम वो लोग यहीं पर करते थे। उस वक्त जो है राज था विक्रमादित्य का, शंघु विक्रमादित्य का राज था। उसके 50 उसके राजकुमार जो हैं, चंदा बहुत सुंदर थी, उसको देख करके सोचे कि इसको मार करके छीन लिया जाए, लेकिन लोरिक ने सबको मार करके दबारा कर दिया था। उसके बाद उसके सारे सैनिक शिकार खेलने के लाए थे, लोग यहीं जो बिहार के ही ये चंपारण की तरफ लोग आए हुए थे, तो पूरे सैनिक लपट करके इनको मैंने पकड़ लिए। पकड़ने के बाद ये किसी को मारना नहीं चाहते थे, जान से पकड़ा लिए अपने को हनुमान जी जैसा। द्वापर के बाद की बात है, जिस समय लोरिक का चलान हुआ करता था, और ये जगह वहाँ के नाम से प्रसिद्ध है। मंजरी जो मतलब राजा की बेटी थी, कि राजा के कोई काम करता था, सामंत की बेटी थी ना, राजा मुलागा था और वो बहुत अत्याचारी राजा था। तो अत्याचारी राजा था, पिता का नाम मेहरा था, ये भी राजा था, उसका मुलागा नाम था, और उसके मंजरी के पिता भी वहाँ का राजा ही था। मुलागत था ही, मुलागत तो ये भी बहुत धनवान और सामंती सामंती था। तो नहीं, इनकी लड़ाई हुई किन से थी? वो राजा से हुई थी कि उनके पिता से हुई थी, वो किसी और राजा से हुई थी? नहीं नहीं, वो किसी और राजा से हुई थी जिसका नाम मुलागत था। अच्छा, तो उसके पिता ने इसकी जब जवान हुई थी, इसकी शादी के संबंध में इसको इस प्रकार का ये उसके अपने राजा की बातों को उसको दिल में सताने लगा, कहीं इस प्रकार का हरकत ना कर दे। मंजरी की अंतिम जो मंजरी शादी हुई, इसमें ज़्यादा उसकी निर्मल एक उसका भांजा था, मुलागत था, वो अमरीश कुमार मार भी दिया था। किसको? अमरीश कुमार दिया था, उसने मार दिया था निर्मल उसका नाम था। अभी आज भी यह है, यदि सरकारी खाता खतौली में लोरिक जी के नाम से अंकित है। अच्छा, ये जी मंदिर वाली जगह जो बच गया है, जो लोगों के लूटने से बच गया, वो भी आज भी उनके नाम से अंकित है सरकारी खाता। जिस बहादुर की बात आप मुझसे सुनना चाहते हैं, वह वीर लोरिक या महान वीर लोरिक कहिए, सामान्य और साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो असाधारण थे। यही बलिया है, बलिया के पूरब तरफ बुहा है, पूरब क्षेत्र को बुहा कहते ही हैं, उसी में पैदा हुए थे, उसी मिट्टी में आज हम पढ़े लिखे हो रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं। आपके दिल दिमाग में एक बात आई कि आखिर हमारे बहादुर जिन्होंने एक दो को नहीं लेकिन देश प्रदेश तक को परास्त किया जी, और उनका इतिहास न हो यह तो बड़ी बेईमानी है जी। तो आज आप लोगों जैसे लोगों ने इसको फिल्म के पर्दे पर इस कहानी को ले आकर के
अपने लोगों के इतिहास को अपने लोगों के बीच में उजागर करने का काम किया है जी। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद आप लोगों को दे रहे हैं। ऐसा भी कुछ कवि लिखते हैं कि मंजरी और लोरिक जो है साथ साथ पैदा हुए हैं। उधर जब मंजरी को लेकर के चलता है, मंजरी कहती है कि ससुराल में कुछ प्रमाण छोड़ दीजिए अपनी वीरता का, तो मारकुंडी पहाड़ को अपने तलवार से दो टुकड़ों में काट देता है। वो मारकुंडी पहाड़ आज भी वहाँ पर विद्यमान है। और इस तरीका से कुछ और प्रमाणिक स्थान है, उसकी पत्नी जो मंजरी थी वो स्नान करने के लिए जाती थी, जो कॉन्वेंट स्कूल के बगल में एक स्थान है रानी पोखर, उसी पोखरे में वो स्नान करने जाती थी, तो उसका नाम रानी पोखर पड़ गया। उसकी देवी जो है ब्रह्माइन में है, वो प्रमाणिक स्थान है, ब्रह्माइन की देवी कही जाती है, वो लोरी की देवी के नाम से जानी जाती थी। वहाँ प्रमाण सबसे बड़ा यह है कि अभी हाल ही तक वहाँ पर यादव पुजारी हुआ करता था। किसी भी मंदिर में यादव पुजारी नहीं हुआ करता है, लेकिन यहाँ यादव पुजारी हुआ करता था, लेकिन अब वो परंपरा धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मेरा नाम कालिका प्रताप यादव है और मैं इस समय जो है बिहार के इंटर कॉलेज में टीचर भी हूँ। और बहुत बड़ी तमन्ना थी कि इस लोरी को रिसर्च किया जाए, क्योंकि मैं देखता था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जो 1389 में जो मुल्ला दाऊद साहब इतने दिनों पहले हिंदी का सबसे पहला प्रेम आख्यान लिखते हैं, तो क्या उनकी स्टोरी ऐसी होती तो फिर क्या लिखते, क्या नहीं लिखते, बिल्कुल नहीं लिखते। आप खुद सोच सकते हैं हिंदी का सबसे पहला प्रेमाख्यान लोरी के ऊपर लिखा जाता है। मजरिक पर गई बिपाती आए भैया, अजय मन पर बाठू मुके आना चाल, आ सती आई कहती न बाटे न दादा सत जू में, आ ब्रह्मा लिखे न लिखनिया न बड़िया। जी समझ जाए, हमारे समझ जाए कि समारोह काजन ब्याह करी हों कि ना करी हों, कुछ हमरो कुछ अपना कुछ बुझा जाओ हैं, तो कहलों कि अरे माई तू चुप रहो भैया, सवेरे छान छोड़ के अत्ती हरा के दूध लेके आई हाँ, तो तब ये मान लो कि आई लोग खीर पूरी छन गई है, आए करी बात से हो भैया का ब्याह को सतिया से बरात जाए कुछ ठाट के, जितना रही उतना धन दौलत भी है लूटा। ये जो फिल्म सोच रहे हैं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाहर से भी इंडिया से बाहर से तो ये फिर मैंने भी थोड़ा पढ़ा तो लगा कि इस चीज़ को किया जाए, बनाया जाए। तो बिरलोरी के हम लोग बिरहा में लाए और बिरलोरी के 56 फीट के घोड़ा पर सवार मूर्ति हम बनवाने का काम किए। हर जगह टीवी अखबार में बिरलोरी का बहुत भारी इतिहास है। बिरलोरी के इतिहास पर हम लोग भी चाहते थे, हमको समय नहीं मिला ना, तो बिरलोरी के पहले ही फिल्म बन गया रहता। तो बिरलोरी के स्टोरी में ये बनना चाहिए, इसलिए कि इससे बहुत भारी हर जाति ब्यादरी के लोग को शक्ति प्रदान होगा जी। यही कारण है कि अभी तरह तरह के लोग पर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, ये जब हमारा बाल बच्चा देखेगा जी, तो उसका मन में मतलब कि एक बहादुरी जागेगा। बहुत हम आप लोग पर खुश हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, इस काम में हम लोग हर सहयोग करेंगे।